पत्थर दे राजनीति तो जात पात तो धर्म तो उपर उठ के वो इंसानियत नाल संबंधित मकसद है कि बहुत कीमती जाना जा रही ने हर रोज अखबारों के खबर पढ़ते हैं आवारा पशुओं करके बहुत कीमती जाना जा रही ने फसलों के नुकसान हो रहे हैं और सरकार वालों बहुत जगह पर टैक्स लिया जाता इन्होंने सेवा संभाल ली पर यह नज़र आ रहा है कितना कितने कि वह टैक्स की जी वरतों है वो सही तरीके नहीं हो रही और ना ही उन्होंने जो भेट हों किसान का वो ये देखते हैं कि अगे वाला कि पार्टी ने संबंधित रखता है जो उन्हें भेट के बच्चा होगा चाहे कि पार्टी को सपोर्ट करता है जो कि जात पात को संबंध रखता है। सो जिस तरह कामरेड अर्शी जी ने कहा है कि मानसा वाले ने यह पहल की है कि वो जगह जगह पर देखो दही जिन्ना मर्जी भावें रिड़कना भर के जमा हो जागता तो एक चमचे चाहिए होंगे। सो ये जाग जिहड़ा मानसा वाले ने लाया ये जाग नाल शायद सारे हिंदुस्तान के एक जागृति इस तरह की आऊगी कि असी आवारा पशुओं की भेट च कभी कितने बच्चे कितने बजुर्ग कितने नौजवान क्योंकि ना ही उम्र देखते हैं तो असी मारे जा रहे हैं। रीसेंटली पिछले अजे एक महीने के कुछ सारे दे अपने जान पछाण वाले कुछ रिश्तेदार उन्होंने आए हुए ने नवनीत का बेटा आया किसी के पत्नी आई है किसी के पिता जी आए ने। सो मैं तो यही अरदास कर रहा कि परमात्मा जुटगी हुई आत्मा को शांति देवे दे अपने चरणों नवास देवे तो परिवारिक मैंबरों को भाणा मन का बल बख्शे पर यह किस्मत के इदा लिखा नहीं होया सी शायद कितने कितने असी लिख रहे हैं अपने आप क्योंकि जुर्माने वधा के दुर्घटनावां घट करने की कोशिश की जा रही सरकार वालों पर इस तरह दियां आवारा पशुओं की समस्या है जां आवारा कुत्ते जिहड़े ने बच्चों नोच नोच के खा रहे हैं उन्हां दियां खबरां वो दिल नूं झंझोड़ दिंदियां ने। सड़कां की हालत कागजां दे विच बहुत वधिया पर धरती ते जदों असीं आउंदे आ उदों सड़कां की हालत जां गटर दे ढक्कण खुल्ले ने। सो बहुत सारिया गल्लां असीं आप लिख रहे हैं बाद दे विच चलो एक दिल नूं ढारस देने वाली गल होती है कि जी ऐं लिखी सी असल च ऐं नहीं लिखी सी वो साडियां मनुखी गलतियां करके वो हो रहा है। सो सरकारां तों मंग करदे आ प्रयोग कल अमन अरोड़ा जी ने भी चिट्ठी लिखी है और इस पर एक डिबेट शुरू हुई। अच्छी गल है कि चलो डिबेट तो शुरू हुई पहला सानू धार्मिक आस्था नाल जोड़ के इहदे ते बोल ही नहीं सकते सीगे। सो इस गल नूं आपां नूं सारे नूं अगे आना पौगा क्योंकि मैं पार्लीमेंट के कैबिनेट साहब ने सवाल उठाया सी 14 दी एवरेज है हर रोज 14 महीने की एवरेज कल्ले पंजाब च है दूजे के तीजे नंबर से उदा मुल्क चो पंजाब। सो 14 जो तीन गुणा करिए 425 के नंबर बंदे 12 ने गुणा कर लिए तो 6000 के लगभग बंदा साड़ी सड़कों पर हर साल मारा जा रहा है जिहड़ा किसी दंगे या किसी अतवाद वाले भी इन्ना साल साल के हो जाना असं आप साड़िया सड़क जो दहुलहान कर रखी ने किलर सड़क बन गई साड़िया 138 पंजाब सरकार ने उदो अकाली दल की सरकार से जो जसपाल भट्टी जी की मौत हुई एक दुर्घटना के 138 किलर पॉइंट स्पॉट किए लभे गवर्नमेंट ने कि वो पॉइंट ने जिते दुर्घटनावान होंगे ने तो मौत होंगे ने सिर्फ लभे उन्होंने होर कुछ नहीं किया कि किसी मोड़ ठीक कर दो कोई एस मोड़ है कोई यू मोड़ है कोई कोणी मोड़ है यदि यदि बजाय बस सिर्फ स्पॉट करके छड़ता पंचा का क्या से मे प्रणाला उत्ते लगते। सो मैं अज सरकार बुजुर्ग बेनती करना राजनीतिक पद्धर तो उपर उठ के बेनती करना कि असं थोड़ा हर संभव साथ देवे विरोधी पार्टी का काम सिर्फ आलोचना करना ही नहीं होंगे जो सरकार कुछ करना चाहती है तो असं उन्होंने साथ देवे कृपा करके अच्छ जो मोमबत्तियां जगिया ने शांति का प्रतीक है मोमबत्तियां आत्मिक शांति उन्होंने परिवारों के जिन्होंने जीव विछड़ गए उन्होंने वालों ये आत्मिक शांति ले जो सारे आप कट्ठे हुए हैं। सो
ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੂਜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਆਇਓ ਆਊਗਾ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।